थाना गांजी से खबर है, जहां पर जो गैंगरेप का मामला सामने आया था, उस मामले में कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। थाना गांजी गैंगरेप मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। गैंगरेप के बाद वीडियो वायरल करने के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई थी। 2 मई 2019 को FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने 6 के खिलाफ चालान पेश किया था। वहीं एक आरोपी बाल अपचारी भी है, इसके खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है। क्या कुछ खास बिंदु रह सकते हैं इस मामले में जब कोर्ट अपना फैसला देगी? हमारे साथ पवन राजपूत जुट रहे हैं। पवन, क्योंकि हाथरस कांड के बाद इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, इस के खिलाफ देश भर में आक्रोश है, गुस्सा है, ऐसे में नजर इस मामले पर भी रहेगी। क्या कुछ खास पहलू रह सकते हैं, क्या कुछ खास बिंदु रह सकते हैं जब कोर्ट अपना फैसला इस मामले को लेकर सुनाएगी? पवन जी, आशीष, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं अलवर जिले का बड़ा चर्चित मामला रहा था ये, और 26 अप्रैल की ये घटना थी, क्योंकि 5 लोगों ने महिला को पति के सामने बंधक बनाकर रेप की घटना को अंजाम दिया था। और जब ये पीड़ित पक्ष पुलिस के पास पहुंचे तो पीड़ित पक्ष का पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, 7 दिन तक टरकाते रहे पीड़ितों को। तो कहीं ना कहीं वीडियो वायरल होने पर पुलिस प्रशासन सहित लोगों पर दूसरी तरफ जाकर कहीं ना कहीं 2 मई को मामला दर्ज हुआ। तो बहुत ही अलवर जिले का बड़ी शर्मनाक घटना थी। इस तरह के चर्चित मामले के अंदर पुलिस ने जैसे ही बड़े मीडिया के अंदर आया तो आनंद फाने ने पुलिस ने जांच बैठाई और उन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, और यहाँ बड़े बड़े लोग यहाँ पर पीड़ित पक्ष के पास पहुंचे थे सांत्वना देने के लिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा अलवर जिले के लिए इस तरह की घटनाएं बड़े निंदनीय होती है, क्योंकि समाज को झकझोर कर देती है इस तरह की घटना। और पुलिस ने ऐसा कुछ कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लेकर 6 को गिरफ्तार कर लिया था। एक बाल अपचारी था, उसको निरोधित कर न्याय बोर्ड के अंदर उसका मामला चल रहा है। आज जब इस फैसले आने को लेकर कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी नजर टिकी हुई है, क्योंकि कोर्ट का किस तरह के इस आरोपियों को कैसे कैसे सजा मिल सकती है, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार इन लोगों को सजा दिलाने के लिए के वकील सहित न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी आशीष, किस तरह के इसके अंदर परिणाम आता है, और सबकी नजर इसी पे रहेगी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं से लोगों को सजा ये चाहते हैं कि जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आगे कोई करने से पहले 10 बार सोचे इस तरह की घटना को बढ़ावा ना मिले, क्योंकि इस तरह की तत्परता जो कार्रवाई से इंसाफ मिलता है तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार सहित लोगों में एक मैसेज जाता है, और उसी मैसेज को देखते हुए निगाह रहेगी लोगों को ऊपर, क्योंकि इसका फैसला क्या रहता है। जी धन्यवाद आपका पवन, तमाम जानकारी देने के लिए।